सनसनी ऑफ इंडिया। शाहदरा स्पेशल स्टाफ ने करीब 160 किलोमीटर के दायरे में लगे 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद दिल्ली में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले चार शातिर और खूंखार बदमाशों को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है। गिरफ्तार बदमाश इतने खतरनाक थे कि वारदात को अंजाम देने के लिए अपने साथ पिस्टल के अलावा पेपर स्प्रे व लोहे का हथौड़ा भी रखते थे। खतरा महसूस होने पर यह लोग आम आदमी हो या पुलिस टीम किसी पर भी हथौड़े से हमला करने और यहां तक कि गोली चलाने से भी नहीं हिचकिचाते थे। बदमाश 28 जनवरी को थाना मानसरोवर इलाके में 3 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। बदमाश इतने शातिर थे कि दिल्ली में वारदात को अंजाम देने आने से पहले अपने अपने फोनों की बैटरी निकाल देते थे ताकि उनके मोबाइल की लास्ट लोकेशन उनका अपना घर आए। लेकिन शाहदरा स्पेशल स्टाफ बदमाशों से 4 कदम आगे निकला और 44 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद बदमाशों को दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की। डीसीपी शाहदरा आर सत्यसुंदरम ने बताया कि 28 जनवरी 2022 को थाना मानसरोवर पार्क में एफआईआर संख्या 170/22 धारा 392/397 34/27 आर्म्स एक्ट के तहत लूट का एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 39 वर्षीय एक शिकायतकर्ता ने अपनी लिखित शिकायत में बताया था कि वो वर्षा उद्योग बवाना दिल्ली में कैश कलेक्शन एजेंट की नौकरी करता है। 28 जनवरी 2022 दोपहर लगभग 3:40 पर दुकानों से कैश कलेक्ट करके पूर्वी रामनगर में स्कूटी रोककर किसी का इंतजार करने लगा, तभी उसकी स्कूटी के दोनों तरफ दो अपाची मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग आए और उससे पैसे से भरा बैग छीनने लगे। उसके विरोध करने पर मोटरसाइकिल सवार एक लड़के ने उसकी तरफ पिस्तौल तान दी और उससे 3 लाख रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए। दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया। डीसीपी शाहदरा आर सत्यसुंदरम ने अपराधियों को दबोचने के लिए तुरंत ही महेंद्र सिंह एसीपी ऑपरेशंस की सुपरविजन व इंस्पेक्टर विकास इंचार्ज स्पेशल स्टाफ शाहदरा के नेतृत्व में एएसआई योगेश, विनीत, प्रशांत, एएसआई कृष्ण पाल, वेद पाल, सुखबीर, हेड कांस्टेबल सर्वेश, सिद्धार्थ, राजीव, अनुज, सचिन, राजेश, कांस्टेबल नितिन, विपिन, हरकेश और कुलदीप की एक क्रेक टीम का गठन किया। जांच टीम ने क्राइम सीन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि 2 अपाची मोटरसाइकिलों पर 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। जिस रूट से बदमाशों के भागने की आशंका थी, जांच टीम ने उस रूट पर पड़ने वाले सभी कॉर्नर्स, मल्टीपल टर्न्स, मकानों, दुकानों, बस स्टॉप और रेड लाइट पर लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला। क्राइम सीन से करीब 160 किलोमीटर के दायरे में लगे 1000 से अधिक एक सीसीटीवी कैमरे को खंगालते जांच टीम बदमाशों की तलाश में खुर्जा बुलंदशहर तक पहुंच गई। खुर्जा बुलंदशहर से आगे के सीसीटीवी फुटेजों में बदमाश दिखाई नहीं दे रहे थे, इससे जांच टीम ने अंदाजा लगा लिया कि आरोपी खुर्जा बुलंदशहर में ही कहीं छुपे हुए हैं। टीम ने आरोपियों की पहचान के लिए खुर्जा गांव में डेरा डाल लिया। टीम ने खुर्जा से दिल्ली आने जाने वाले लोगों पर टेक्निकल सर्वेलेंस से नजर रखनी शुरू कर दी। 2500 से अधिक नंबरों के डंप डाटा को स्कैन किया। गांव में मुखबिरों का जाल बिछाया। टीम के कुछ सदस्य सादी वर्दी में गांव की हर एक गली में घूम घूम कर आरोपियों को खोजने का प्रयास कर रहे थे। एक टीम ने मुखबिरों की मदद से खुर्जा गांव में अपाची मोटरसाइकिल रखने वालों की डिटेल जमा की, फिर उस डिटेल में से उन लोगों को स्कैन किया जो अपाची मोटरसाइकिल से दिल्ली अप डाउन करते हैं। लगभग 2 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद टीम ने खुर्जा गांव के 4 सस्पेक्ट लोगों टारगेट किया। सस्पेक्ट बदमाशों को गिरफ्तार करने में टीम के सामने एक सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि दिल्ली में वारदात के समय इनके मोबाइल की लोकेशन खुर्जा गांव में थी। बारीकी से जांच करने पर टीम को पता चला कि 4 सस्पेक्ट बड़े शातिर बदमाश हैं। दिल्ली में वारदात को अंजाम देने जाने से पहले यह लोग अपने अपने फोनों की बैटरी निकाल देते थे ताकि उनके मोबाइल की लास्ट लोकेशन उनका अपना घर आए। जांच में टीम को यह भी पता चला कि वारदात को अंजाम देने जाते समय खुर्जा बुलंदशहर से मेरठ के रास्ते दिल्ली नॉनस्टॉप जाते हैं और दिल्ली में डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को चकमा देने और सीसीटीवी से बचने के लिए गांवों की आड़ी तिरछी गलियों से होकर आते हैं। टीम ने आरोपियों के चारों तरफ मुखबिरों का जाल बिछा दिया। मुखबिरों ने टीम को बताया कि बदमाशों को खुर्जा बुलंदशहर में दबोचना आसान नहीं है, क्योंकि बदमाशों ने खुर्जा गांव में अपनी पकड़ बना रखी है। उनकी गिरफ्तारी के समय गांव के लोग टीम पर हमला भी कर सकते हैं। टीम ने बदमाशों की मूवमेंट पर नजर रखनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर विकास को पूरा भरोसा था कि आरोपी एक न एक दिन खुर्जा बुलंदशहर इलाके से बाहर जरूर निकलेंगे। आखिरकार कई हफ्तों के इंतजार के बाद इंस्पेक्टर विकास की टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि आरोपी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। टीम को कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिली कि सभी आरोपी 11 मार्च 2022 की देर रात सीमापुरी इलाके में वारदात करने के लिए इलाके की रेकी करने आएंगे।
इंस्पेक्टर विकास ने बदमाशों की मोडस ऑपरेंडाई को ध्यान में रखते हुए 11-12 मार्च 2022 की मध्यरात्रि में एसआई विनीत और एसआई प्रशांत की तीन टीमों का गठन कर 70 फुटा रोड सीमापुरी पर जाल बिछाया। इंस्पेक्टर विकास की टीम एक ने सड़क पर बैरिकेड्स लगाकर कारों की जांच शुरू कर दी। एसआई प्रशांत की टीम दो को बैरिकेड से 200 मीटर आगे तैनात किया गया था ताकि आरोपी व्यक्तियों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ने और भागने की कोशिश करने पर उन्हें नियंत्रित किया जा सके। एसआई विनीत की टीम तीन को बैरिकेडिंग से 200 मीटर पहले तैनात किया गया ताकि आरोपियों के आते ही वो इंस्पेक्टर विकास की टीम एक को अलर्ट कर सके। देर रात आरोपी व्यक्तियों को आते देखा गया। टीम तीन ने टीम एक को अलर्ट करके आरोपियों को रुकने का इशारा किया। पुलिस टीम को देखते ही आरोपियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर विकास की टीम एक ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी व्यक्तियों पर तीन राउंड फायरिंग की। मुठभेड़ के बाद टीम ने सभी आरोपियों को दबोच लिया, जिसमें गोली लगने से दो आरोपी घायल हो गए। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान खुर्जा बुलंदशहर निवासी 28 वर्षीय विक्रम सिंह उर्फ पिंटू, हाथरस निवासी 25 वर्षीय शुभम चौधरी उर्फ सनी, खैर अलीगढ़ निवासी 21 वर्षीय देव कुमार उर्फ दिनेश व थाना सहसानी हाथरस निवासी 29 वर्षीय हरी कृष्ण के रूप में हुई है। इनसे एक पिस्टल, तीन तमंचे, 37 कारतूस, चोरी की दो मोटरसाइकिल, चार हेलमेट, हथौड़ा और पेपर स्प्रे बरामद हुआ है। पुलिस टीम को पता चला कि आरोपी हरी किशन ने वर्ष 2010 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सबोली गांव में काफी समय काम किया है, इसलिए उसे मंडोली, सबोली और आसपास के गांवों के क्षेत्र से अच्छी जानकारी है। उसे यह भी पता चल गया था कि शुक्रवार के दिन मंडोली रोड मार्केट में कलेक्शन एजेंट्स बाइक या स्कूटी से पैसा कलेक्ट करते हैं और इसी की मुखबिरी पर यह लूट की वारदात हुई थी। गिरफ्तार सभी बदमाश पेशेवर लुटेरे हैं जो पैसों के लिए लूटपाट करते हैं। यह लोग इतने खतरनाक हैं कि हमेशा अपने साथ पिस्तौल और लोहे का हथौड़ा रखते हैं। खतरा महसूस होने पर आम आदमी हो या पुलिस टीम किसी पर भी हथौड़े से हमला करने और यहां तक कि गोली चलाने से भी नहीं हिचकिचाते थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वारदातों में यह लोग चोरी की मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते थे व वारदात से पहले सभी उत्तर प्रदेश के खुर्जा में इकट्ठा होते थे। आरोपियों ने बताया कि उनको टेक्निकल सर्वेलेंस की पूरी जानकारी है, इसलिए जब भी वे कोई डकैती करने के लिए निकलते थे तो हमेशा अपने मोबाइल फोन बंद कर देते थे और घर वापस आने पर उन्हें चालू कर लिया करते थे। आरोपी विक्रम सिंह उर्फ पिंटू पुत्र कोमल सिंह शादीशुदा और तीन बच्चों का पिता है। यह खुर्जा में क्रॉकरी बनाने की एक फैक्ट्री में काम करता है। यह पहले रॉबरी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट व अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे 8 मामलों में जेल जा चुका है। दूसरा आरोपी शुभम चौधरी उर्फ सनी पुत्र बच्चू सिंह भी शादीशुदा और दो बच्चों का बाप है। यह अपने गांव में मजदूरी करता था। यह भी रॉबरी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट व अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे 7 मामलों में जेल जा चुका है। तीसरा आरोपी देव कुमार उर्फ दिनेश पुत्र तेज सिंह अविवाहित है। यह खुर्जा में एक पॉटरी शॉप पर काम करता है। यह आर्म्स एक्ट के एक मामले में जेल जा चुका है। चौथा आरोपी हरी कृष्ण पुत्र बाबू सिंह हाथरस में खेतीबाड़ी करता है। यह भी शादीशुदा और तीन बच्चों का बाप है। आरोपी हरी किशन और विक्रम सिंह की पुलिस के साथ पहले भी मुठभेड़ हो चुकी है। एक डकैती के दौरान पीड़ित के विरोध करने पर हरी किशन ने पीड़ित पर गोली भी चला दी थी। यह रॉबरी, धोखाधड़ी और अटेम्प्ट टू मर्डर के 6 मामलों में पहले भी जेल जा चुका है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया कड़ी नजर। खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।